हाँ तो हेलो वेलकम टू स्टार्ट सुजी। तो भाई आज का टॉपिक है हॉट गर्ल ऑफर मिल्क। और हाँ, इस वीडियो में बेसिकली तुमको सिर्फ मिल्क ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आज हम एक और मर्डर डैडी के फैक्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली सोफिया अंसारी रोस्ट पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि इन मैडम की गतिविधियां कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। मेरा मतलब बढ़ गई है, मतलब व्यू पाने के लिए लोग बिना लॉजिक के गाली देते थे ये तो देखा था, लेकिन अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को पब्लिक करने वाले को मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने इनको देखा था। अब जितने भी इसके फैंस हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो मुझे कहेंगे कि उसकी जिंदगी चाहे वो कुछ भी करे तुझे क्या दिक्कत है बे, तो चुप मादरचोद। वो अपनी पर्सनल जिंदगी में कुछ भी करे उससे हमें बिल्कुल मतलब नहीं, लेकिन अगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हगेगी तो मैं उसके गांड में उंगली करूंगा, और मैं कैमरे से हजारों रोस्टर भी गांड में उंगली करेंगे। अबे साले। तो चलो तुमको भी दिखाते हैं मदर डैडी का शो ऑफ, और शुरू करते हैं अपनी मजदूरी बिना किसी बकचोदी के। बहुत गर्मी लग रही है यार, तुम लड़कियों को इतनी गर्मी क्यों लगती है? हम हॉट है ना। चला 21 सेकंड में लॉजिक और सेंस की मां चोद दिया। अरे बहन, माना कि तुम हॉट हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी भी खंबे या दीवार को पकड़ के अपना गांड हिलाने लग जाओगी। और मैडम एक और बात कि प्लीज थोड़ा दूर से वीडियो बनाया करो भाई, क्योंकि इतने पास से आपका सारा कार्यक्रम एक ही बार में दिख जाता है। मेरा मतलब जो मुट्ठा लोग आपके वीडियो में देखने आते हैं वो सब दिख जाता है। अब आई नो कि आपको यही सब लिखा के व्यू और लाइक मिलते हैं, पर कभी कभार हम शरीफ जनता के बारे में भी सोच लिया करो। ये क्या है साला, ऐसे तो मेरा तकिया भी नहीं थुलथुलाता जितना इन मैडम का। चलो छोड़ो, समझ रहे हो, समझ रहा हूँ। और अगर ऐसे ही कुछ गांड मुझे मिल जाए तो मैं इनको अपने तकिया की तरह इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आई लव गांड वाले तकिया। चला गांड पे सोने का मजा ही कुछ और है। अब तुम लोग ये ना समझना कि मैं गांड पे ही सर रख के सोता हूँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि गुलगुले तकिए पे सर रख के सोने का मजा ही कुछ और है। आपसे ज्यादा घटिया आदमी हमने देखा नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं। क्या है अब लैंग्वेज भाई साहब, आपकी बहुत गंदी है, सुधारिए इसको थोड़ा। अरे मैडम, लैंग्वेज है आपकी इस शैली के गांड में। सबसे पहले आप अपनी इस तिजोरी की बटन बंद कर लो, क्योंकि इससे ऐसी प्रज्वलित एनर्जी निकल रही है ना, जिसको देख के अच्छे अच्छों की बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है। सॉरी। सो प्लीज बंद कर लो भाई, क्योंकि ऐसी प्रज्वलित एनर्जी हमारे बस की नहीं है जो हम झेल पाएंगे। अब इस वीडियो में मेरी नजर ना इनके ऊपर था, ना ही इनके जरा इनके घाघरे या चोली को देखो, और ये भी देखो कि ये किस तरफ उड़ रहा है। लगता है चोली के नीचे पंखा लगा कर रखा है, तभी तो इनकी ये चोली या फिर घाघरा ऊपर की तरफ उड़ रहा है। तभी ये अपने वीडियो में कह रही थी कि बहुत गर्मी लग रही है। ये ब्राउन मुंडे की किसने माँ बहन की बे? विनोद जरा पता लगा कि इस गाने की माँ बहन किसने की। सला इसके लिए मैं फांसी का याचिका डालूंगा सुप्रीम कोर्ट में। बहुत तकलीफ होती है। नहीं यार, इसने तो ब्राउन मुंडे गाने की गांड मार दी, पर जब इन जैसे हजारों लोग इस गाने की गांड मारेंगे तो वो कैसे सहोगे भाई, मतलब हलवा है क्या? और जरा इन मैडम को देखो, अरे मैडम थोड़ा सा तो इज्जत कर लो, लड़कियों का ना सही पर इस गाने का तो कर लो। बोतल से पानी पीते हो तो वीडियो बना रही हो, शर्म नहीं आती है क्या? नहीं, अगर आप इसको कंटेंट कहते हो ना, तो ऐसे कंटेंट मैं दिन में 10 बार बनाता हूँ। चलो मानना पड़ेगा, कुछ भी करते हैं ये लोग। सुनो, आई लव यू बोल के फ्लड करूँ या फ्लड करके आई लव यू बोलूँ? गाली दे के भगाऊं या भगा के गाली दूं? करवा ली बेइज्जती, खराब कर दिया लौंडों का नाम। बहनचोद, इस वीडियो में ये जिसका भी आवाज था, सबसे पहले उसको पकड़ो और पेलो, और पेल के अर्जुन रामपाल बना दो, क्योंकि ऐसी बकचोदी कारण इन जैसी लड़कियों में एटीट्यूड आ जाता है, मतलब फ्लर्ट करेंगे भोंसड़ी वाले। अंदाजा लगाना छोड़ दो हमारे बारे में, तुम सिर्फ उतना ही जानते हो जितना हमने बता रखा है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। और ये मैडम अपनी हेडलाइट उतना ही दिखाती है जितना ये लोगों को दिखाना चाहती हैं। हाँ, यही लॉजिक है इनका, और यही लॉजिक मैडम अपने ऑडियंस को गुमराह करने में लगाती हैं, क्योंकि इनको भली बात ही बताया कि इनके ऑडियंस कतई मादरचोद लोग हैं जो सिर्फ इनकी बॉडी को देखने आते हैं, ना कि इनका कंटेंट को। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इनके अंदर टैलेंट नहीं है, वो तो बहुत है, तुमको दिख ही रहा होगा, बट अगर ये कुछ अलग करने की कोशिश करती है तो इनकी वीडियो इनकी जनता को झाट पसंद नहीं आता, क्योंकि जिस टाइप की ऑडियंस इनको फॉलो कर रही है ना, उनको सिर्फ एक ही चीज देखना पसंद है, जो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अगर तुम जानना ही चाहते हो तो इनकी कोई भी वीडियो का कमेंट पढ़ लेना। अबे यार, ये हर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को इस चीज पे वीडियो बनाना जरूरी है क्या? नहीं तो बनाते ही क्यों मादर। नहीं यार, आई नो कि तुमसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, पर कम से कम इतना खतरनाक कंटेंट तो ना बनाओ। अबे यार, कितनी बार कहा दूर से वीडियो बनाया करो, समझ में नहीं आता है क्या? ये अपने हर वीडियो में हाईवे दिखाना जरूरी है क्या? नहीं। अरे मैडम समझा करो, वॉइस प्रॉब्लम, रात में नाइट फॉल हो जाता है बहनचोद।
से आती। अगर यही चीज लौंडे इंटरनेट पे करे ना तो कुछ मुट्टल लोग कहेंगे कि ये देखो व्यू पाने के लिए क्या कर रहा है, शर्म और गांड नाम की चीज ही नहीं इसके पास। और अगर वही सेम चीज लड़कियां करती हैं तो यही लोग इनके कमेंट में जाके ये कहते हैं कि वाह क्या अदा है आपकी, इस अदा को देख के मेरी किडनी फेल हो गई बहन। एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत गांड छिन लेंगे। अबे यार क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, जाके कहीं पढ़ाई लिखाई करो, कुछ काम धंधा करो। पर नहीं, इनको तो दुनिया के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर को देखना है। अब कुछ चूतिया लोग मेरी इस वीडियो को देख के मेरे को जज करेंगे और कहेंगे कि भाई तू ठीक नहीं बोल रहा है, तू अपनी सोच को बदल, क्योंकि अगर तू अपना सोच बदलेगा तो तुझे सब कुछ अच्छा दिखेगा। तो भाई रहने दो, मेरी सोच तुमसे तो अच्छी ही है, क्योंकि मैं उन लड़कियों का रिस्पेक्ट करता हूँ जो हार्ड वर्क करके आगे बढ़ती हैं, उन लड़कियों को नहीं जो इंटरनेट पे फेमस होने के लिए अपने बॉडी का इस्तेमाल करती हैं। और ये मैडम उसी कैटेगरी की हैं। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, तुम कभी इनके कमेंट सेक्शन में जाना और खुद ही पढ़ लेना कि लोग इनके कमेंट के नीचे क्या क्या लिखते हैं। और क्या तुमको इनकी वीडियो को देखकर इनकी मानसिकता नहीं दिखती? अरे भाई जब ये यहाँ पे बटन करके भी वीडियो बना सकती थी तो फिर बटन खोल के वीडियो बनाया ही क्यों? क्या इनको हॉट दिखना था? आज ही लौड़ा मेरा। अगर ये बटन यहाँ नहीं खुलता तो लोग झांट लाइक नहीं करते ना। तुम इनकी लगभग हर वीडियो को देख लो, ये बिना बात के अपनी बॉडी का इस्तेमाल करती हैं और ऐसे यूज करती है कि पूछो ही मत। और इस चीज में जितनी इनकी गलती है ना उतनी ही गलती इनको देखने वालों की है। सो प्लीज स्टॉप, इनको देखना बंद करो और मैडम को भी ये करना बंद करना चाहिए। बाकी ये वीडियो सिर्फ एक मजाक था तो मजाक की तरह ही लेना। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में मुझे बताओ कि वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था ताकि मैं उस चीज से सीख पाऊं। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कमिंग, बाय। विनोद, वीडियो को वायरल करने के लिए कपड़े कम पहनना जरूरी है क्या?